नमस्कार, मैं हूं लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है सावन में शिवलिंग पर चढ़ाएं शिवा मुट्ठी। शिव पुराण के अनुसार सावन मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर विशेष वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, जिसे शिवा मुट्ठी कहते हैं। शिवा मुट्ठी यानी के शिवजी भोलेनाथ जी को एक मुट्ठी अनाज चढ़ाना। शिवा मुट्ठी अर्पित करने से शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सभी संकटों का नाश करते हैं। इस साल सावन सोमवार 4 की बजाय 8 सावन सोमवार होंगे। शिवा मुट्ठी में अलग अलग प्रकार के अनाज अर्पित करने से शिवजी भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। नंबर एक, सावन माह के पहले सोमवार को एक मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। ये चावल भक्त की मुट्ठी के बराबर होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हों और चावल साफ सुथरे होने चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। नंबर दो, सावन माह के दूसरे सोमवार को शिवजी भोलेनाथ जी पर एक मुट्ठी काला तिल चढ़ाने से घर के कला क्लेश समाप्त होते हैं, साथ ही मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी दूर होती हैं। नंबर तीन, सावन के तीसरे सोमवार को एक मुट्ठी जौ शिवलिंग पर चढ़ाने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। नंबर चार, सावन माह के चौथे सोमवार को शिवजी भोलेनाथ जी पर एक मुट्ठी गेहूँ चढ़ाने से व्यक्ति को संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर पाँच, पाँचवें सोमवार को एक मुट्ठी खड़े मूंग चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है, जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। छठवें सोमवार को एक मुट्ठी कंगनी से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कंगनी पीले कलर की होती है, वो आपको पंसारियों की दुकान से मिल जाएगी। आप जरूर लाकर शिवलिंग पर एक मुट्ठी अर्पित करें। सातवें सोमवार को एक मुट्ठी अरहर दाल चढ़ाने से धन ऐश्वर्या सुख समृद्धि और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आठवें सोमवार को एक मुट्ठी सतुआ चढ़ाने से भक्त के जीवन में अन्न दान और विद्या की कभी कमी नहीं होती। शिवा मुट्ठी चढ़ाने से पहले शिवलिंग और पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें और अंत में शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी चढ़ाएं। शिवा मुट्ठी को सोमवार की शाम को चढ़ाना चाहिए, जनी के प्रदोष काल में चढ़ाना चाहिए। प्रदोष काल सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का समय होता है। इस समय पर आप शिवा मुट्ठी अवश्य चढ़ाएं। प्रदोष काल का समय भगवान शिवजी भोलेनाथ जी को अति प्रिय है। अगर आप प्रदोष काल में शिवा मुट्ठी चढ़ाते हैं, शिवजी भोलेनाथ जी अति प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि प्रदोष काल के समय में शिवजी भोलेनाथ जी प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। शिवा मुट्ठी को चढ़ाने से भगवान शिवजी भोलेनाथ जी बेहद प्रसन्न होते हैं। इससे भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है और भगवान शिवजी भोलेनाथ जी की कृपा से घर पर कभी भी धन दान की कमी नहीं होती। अगर आपने अभी तक शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी नहीं अर्पित की तो आप अभी भी शिवलिंग पर शिवा मुट्ठी अर्पित कर सकते हैं। 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त, ये 4 सोमवार अभी भी बाकी हैं। आप इन 4 सोमवार को भी शिवा मुट्ठी अर्पित कर सकते हैं। अगर आप इन 4 सोमवार को भी शिवा मुट्ठी अर्पित कर देते हैं तो आपको पूरा पूरा फल मिलेगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप इस मौके का लाभ उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।